हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए दो आम लिए हैं, उनको पील करके हम इस तरह बारीक काट लेंगे। तो इनको कट मैंने कर लिया है और यहाँ पर एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें डाल देंगे कटे हुए आम। उन्हें कटे हुए आम को हम पीस लेंगे, इनका बारीक एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से पीस लिया, लगभग 30 सेकंड तक इसको मिक्सी को चलाया था, अच्छे से फाइन पेस्ट बन चुका है। तो अब एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 2 कप व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम डालने के बाद इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। अब बीटर की सहायता से इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। तो जिस तरह हम केक के लिए क्रीम को बीट करते हैं, पूरा नहीं बीट करना है, बस लगभग 80% बीट करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मैंगो पल्प। अब इसके अंदर हम डाल देंगे केसर फूड कलर, आप चाहें तो मैंगो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, इन सभी मिक्सर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह रनी सा बैटर होना चाहिए हमारा, हल्का सा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम लगभग 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे कवर करके। तो लगभग 2 घंटे तक मैंने इसको रख दिया था, आप देख सकते हैं अच्छे से सेट हो चुकी है लगभग। तो अब यहाँ पे बीटर का हम फिर से यूज़ करेंगे और फिर से हम इसको इसी तरह लगातार लगभग 3 से 4 मिनट तक लगातार बीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने बीट कर लिया है। अब इसको स्पैचुला की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे कटे हुए आम। तो इनको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी डब्बे में या फिर कोई भी आइसक्रीम वाले बर्तन में। तो इसको हमने इस तरह ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको हम स्पैचुला की सहायता से इसे स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे कोई बेक बटर पेपर। यहाँ पे आप चाहें तो किसी पॉलिथीन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम कवर कर देंगे। तो इसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया चारों तरफ से। अब इसको हम लगभग 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रीजर में रख दिया था मैंने 12 घंटे के लिए, 12 घंटे बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब इसका बटर पेपर जो है उसको हटा लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है, बिल्कुल भी आइस के जो क्रिस्टल है या फिर क्यूब्स है वो नहीं जमे हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम स्कूप से निकाल लेंगे आइसक्रीम को और इसको सर्व कर देंगे आइसक्रीम कप में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी और सुंदर हमारी आइसक्रीम दिख रही है। तो दोस्तों, इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम के साथ। तो दोस्तों, मैंगो आइसक्रीम तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।